मुद्दा है बेरोजगारी का, मुद्दा है गरीबी का, मुद्दा है किसान नौजवान का, मुद्दा है महंगाई का। भाइयों बहनों, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा और हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपया डालेंगे। लोगों के खाते में 15 लाख रुपया नहीं आया, लेकिन बीजेपी के खाते में बहुत सारा हजारों करोड़ का चंदा जरूर आ गया। चंदा दे दिए मोदी जी, और क्या दीजिए, चाचा जी तो पलट गए, पलट गए तो पलट गए। हमको उस पर ज्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करना। 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी पूरे देश में मिल रही है। लक्ष्मीपुर हरला झाझा में घर है और भाजपा के लोगों ने जब वही चीज को प्रयोगशाला बना दिया, हर बार बाहरी लोगों को ही जो है उन्होंने दिया है। इस बार सोच समझ के युवा है, महिला है, पढ़ी लिखी है, आपको लोकल प्रत्याशी हम लोगों ने दिया है ताकि आपके दुख और सुख को ये भागीदार बने। बाकी हम मोदी जी की बात नहीं करेंगे, सीधे मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है बेरोजगारी का, मुद्दा है गरीबी का, मुद्दा है किसान नौजवान का, मुद्दा है महंगाई का। इस पे मोदी जी बात नहीं करेंगे, हिंदू मुसलमान के अलावा उनको कुछ नहीं पता है, और पता होगा भी तो जानबूझ के दुबलीकरण करके वो वोट हासिल करना चाहेंगे। लेकिन मोदी जी से 10 साल का हिसाब लो तो मोदी जी आए थे पिछले बार चुनाव में, क्या बोले थे? भाइयों बहनों, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। भाइयों बहनों, एक बार मौका दीजिए, विदेश में पड़ा काला धन ले आऊंगा और हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपया डालेंगे। मोदी जी तो काला धन लाए कि नहीं लाए, लेकिन इतना हमको जरूर पता है कि लोगों के खाते में 15 लाख रुपया नहीं आया, लेकिन बीजेपी के खाते में बहुत सारा हजारों करोड़ का चंदा जरूर आ गया है। 16,000 करोड़ रुपए का चंदा कौन देगा? जो कंपनी लोग नुकसान में है वो भी 200 करोड़ रुपए चंदा दे दिए मोदी जी। यही हाल है। हम ज्यादा कुछ नहीं, आज आप लोगों ने कुछ खबर लेके आए। हमने 17 महीने में कितने लोगों को रोजगार दिया, नौकरी दिया? कितना? उप मुख्यमंत्री रहते केवल 17 महीने में 5 लोगों को नौकरी दिया। मोदी जी प्रधानमंत्री होते हुए 10 साल में 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को नौकरी नहीं दिया। ये सच्चाई है। लेकिन आप लोगों के बीच हम कहना चाहते हैं, एक मौका दीजिए, चाचा जी तो पलट गए, पलट गए तो पलट गए। हमको उस पर ज्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करना। वो जहां रहे अच्छे से रहे, सुखी रहे, अभिभावक है, पिता तुल्य है। लेकिन यही बतवा जब हम बोलते थे 10 लाख नौकरी देंगे तो कहते कहां से लाएगा पैसा, असंभव। इसी मैदान में ना हम बोले थे 10 लाख देंगे, याद है कि नहीं? लेकिन 17 महीने में हमको जो मौका मिला, हमने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी। हमारा इंडिया अलायंस है, हम ज्यादा नहीं 2-3 बातें बोल करके चले जाएंगे और ये काम कौन करेंगे। अगर आप लोग हमको मौका इंडिया गवर्नमेंट को मिलता है सरकार बनाने का, जो हमारे इंडिया की गवर्नमेंट है, तो 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी पूरे देश भर में हम लोग देंगे। सोचो जब 17 महीने में एक राज्य में 5 लाख लोगों को हमने नौकरी दिया, तो पूरे देश भर में हम लोग सभी विपक्ष के लोग, इंडिया अलायंस के लोग अगर सरकार बनेगी तो कितना देंगे? 1 करोड़। कितना लोग बेरोजगार हैं आज? हम लोगों की सरकार नहीं है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है 15 अगस्त याद रखिएगा, 15 अगस्त तारीख, 15 अगस्त को क्या मिला था हमें? आजादी मिली थी, और 15 अगस्त आने वाला जो है इस बार बेरोजगारी से आजादी दिलाएंगे। 15 अगस्त से नियुक्ति की प्रक्रिया चालू कर दिया जाएगा। और यही नहीं, जो गरीब परिवार की हमारी बहन बेटी है, हर साल 1 लाख रुपया उस बहन और बेटी को हम लोग देने का काम करेंगे।
जो गरीबी रेखा से नीचे है। यहाँ अर्ध सैनिक बल के लोग भी हैं, सीआईएसएफ के लोग, सीआरपीएफ के लोग, पैरा मिलिट्री फोर्स, आईटीबीपी के लोग। जरा इनसे पूछो कि शहीद का दर्जा मिलता है? नहीं मिलता है। अग्निवीर योजना मोदी जी ने 4 साल में, 18 साल में ज्वाइन, अब 22 साल में जब मुझो नहीं आए तो रिटायर। अग्निवीर योजना में पेंशन नहीं मिलेगा, ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी, कैंटीन की व्यवस्था नहीं मिलेगी और ना ही शहीद का दर्जा मिलेगा। मोदी जी देश की बात करते हैं, जो हमारा सैनिक भाई देश के लिए अपना जान निछावर करता है उसको शहीद का दर्जा भी नहीं देंगे। पूछो सवाल, हमारी सरकार बनेगी इंडिया अलायंस की तो अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे, भाइयों को पेंशन भी मिलेगा, शहीदों का दर्जा भी मिलेगा, कैंटीन की भी व्यवस्था मिलेगी। अग्निवीर में कुछ नहीं था, लोगों को ठगने का काम किया मोदी जी ने। इसलिए जितना किसान है कटनी चल रहा है, कितना फसल का उचित दाम मिल रहा है, नहीं नहीं मिलता उचित दाम, मिलता नाम भी है तो एक दो फसल का एमएसपी है, एक दो फसल का। हम लोगों का सरकार बनेगा तो 10 फसल का एमएसपी हम लोग तय करेंगे। जो किसान दिन रात धूप में मेहनत करके हम लोगों का पेट पालता है, जो हमारे अन्नदाता है, उनको हम लोग सम्मान देंगे, उचित दाम देंगे, 10 फसलों का जो उगाते हैं एमएसपी जो है वो किया जाएगा। इसलिए हम लोगों के पास केवल 2 मिनट है, पायलट साहब का संदेश आया है तो ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मोदी जी से सवाल पूछना चाहिए, मोदी जी को जवाब देना चाहिए कि 10 साल में तारापुर के लिए क्या क्या। एमपी 15 साल से है, सीएम उनका है 17 साल से, उनकी सरकार यहाँ हुआ, यहाँ उनका विधायक भी है, विधायक उनका, एमपी उनका, राज्य सरकार उनका, भारत सरकार उनका, लेकिन फिर भी गरीबी है, बेरोजगारी है, फिर भी महंगाई है। पहले भाजपा को महंगाई डाइन नजर आती थी, अब महबूबा हो गई है। सिलेंडर गैस हमारी सरकार आएगी तो 500 रुपया कर देंगे, 200 प्रति यूनिट फ्री बिजली हम लोग देंगे, ये सारा काम हम लोग करेंगे। बिहार में सबसे महंगा पूरे देश में अगर बिजली है तो बिहार में है, तो हम लोग 200 प्रति यूनिट हम लोग जो है फ्री बिजली देने का काम करेंगे। मेरा फेसबुक पे और हर जगह जो है हमने डाल दिया है, 24 के चुनाव में 24 जन वचन हम लोगों ने लिया है, इसलिए आप लोग उसको पढ़िएगा, जानिएगा, हिसाब लीजिएगा और देखिएगा। रे भाई, रामनवमी आने वाला है, हम लोग कलम बांटने का काम कर रहे, लोग तलवार बांटने का काम करेगा, कलम मिलेगा, घर में नौकरी आएगी तो नौजवान का ब्याह हो जाएगा, ब्याह हो जाएगा तो बच्चों हो जाएगा, माता पिता खुश, बच्चा के टीम के लाएगा चॉकलेट का खिलौना। और रामनवमी में बीजेपी वाला तलवार थमाएगा तो सीधे जाएगा जेल, सस्ता शादी होगा, बोलेगा लड़की वाला रे तो जेल हो क्या आया है, तो शादी नहीं करेगा, शादी नहीं होगा तो बच्चों नहीं होगा, माँ बाप परेशान रहेंगे, पुलिस थाना जाएगा तो देना पड़ेगा, वकील बाबू को देना पड़ेगा, सारा जवानी बर्बाद हो जाएगा। रे भाई, उसने तलवार के चक्कर में नहीं रहना है, कलम के चक्कर में रहना है। तो हम लोग आने वाला रक्षाबंधन में अपन गरीब बहन के हर साल 1 लाख रुपया और 15 अगस्त के आप लोगों को बेरोजगारी से आजादी, नौकरी की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। मिलजुल करके रहना है ना, अर्चना जी को जिताना है ना, अरे लोकल उम्मीदवार है, आप लोग दिन रात कहीं भी चले जाइएगा तो काम करवा लीजिएगा। तक तक अगर गलती से वो जीत गए जिज्जा जी चिराग जी के तो कहां ढूंढ ले लीजिएगा, समझ रहे हैं? तो विजय के माला दे रहे, दोनों हाथ उठा करके बताइए, पहला दे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय बिहार, तारापुर की जनता जिंदाबाद।
उस चुनावी